तो मैं यही सोचता था हमेशा कि यार ये गिफ्ट बड़ा यूनिक सा नाम है, इसका मतलब क्या है। ओ आप आगे, मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जरा खुशबू अच्छी आनी चाहिए मुझसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। वेल आप देख रहे हैं रिएक्शन पर सुलेमान। अपने आप से मुझे अच्छी खुशबू आ रही है, बेशक खुशबू मेरी आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अपने आप से यू हैव टू स्मेल गुड। मुझे सब कहते हैं कि यार तू कहीं बाहर जाने से पहले इतना तैयार नहीं हो रहा होता जितना तू अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हो रहा होता है। तो यार मेरा मानना है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, और उसके अलावा अच्छे लगने के साथ साथ यू हैव टू स्मेल गुड। क्या आप अग्री करते हैं इस बात पे? अरे आप चलते हैं वीडियो की तरफ आते हैं। और यार बड़े अच्छे से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि गिफ्ट सिटी पर रिएक्शन दें, गिफ्ट सिटी पर रिएक्शन दें। और मैंने आपको खुद भी बताया था कि पर्सनली मुझे सभी रिएक्शन अच्छे लगते हैं, लेकिन सिटी रिएक्शन जो होता है वो उसमें मुझे भी मज़ा इसलिए आता है कि यार चलो ठीक है मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ सिटी में, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वीडियो के थ्रू मैं देख रहा हूँ सबको, तो मुझे अच्छा लगता है। तो गिफ्ट सिटी बेसिकली एक स्मार्ट सिटी है। पिछले दिनों हमने ढोलेरा सिटी की वीडियो पर रिएक्ट किया था, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यार वो एक स्मार्ट सिटी है जो कि स्क्रैच से बन रही है, और जो उसमें बातें बताई जा रही हैं अगर वो हो जाए और वैसी दो चार सिटीज़ भी इंडिया में आ जाएँ जो कि बन रही हैं, तो इंडिया यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और बड़ा ही मैं इम्प्रेस हुआ था उसको देख के। अब ये गिफ्ट सिटी के बारे में सिर्फ मुझे इतना पता है कि ये एक सिटी ऑलरेडी है शायद, और उसको बनी हुई थी, उसको आप स्मार्ट सिटी में इसको कन्वर्ट कर लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसकी मुझे लेटेस्ट वीडियो मिल गई है और 2019 की न्यू अपडेट है जो उसकी प्रोग्रेस गिफ्ट सिटी में हो रही हैं, वो उस रिलेटेड सब बताया जाएगा हमको, लेटेस्ट जो प्रोग्रेस हुई हैं वो। और ये जिस चैनल की वीडियो है, देबदूत इनका नाम है, देबदूत, तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोज देखें, बहुत ही अच्छी वीडियोज बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव। सो आई एम रियली एक्साइटेड, आज हम देखेंगे कि भाई गिफ्ट सिटी आखिर है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जी ये इनका लोगो है, देबदूत यूट्यूब। हेलो गाइस, वेलकम टू देबदूत यूट्यूब। आज हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट सिटी के बारे में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस की करंट प्रोग्रेस क्या है? गुजरात के अंदर सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट जैसे शहर ऑलरेडी होने के बाद भी गिफ्ट सिटी क्यों बनाया गया है, एंड आगे आने वाले दिनों में गिफ्ट सिटी इंडिया के कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गुजरात में है। पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट, बिल्कुल जी सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। तो इसका फुल फॉर्म हमने बताया है जो कि गुजरात से ही स्टार्ट होता है। सिटी का मतलब क्या है ये बता रहे हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे शॉर्ट में गिफ्ट सिटी कहा जाता है। बेसिकली ये एक स्मार्ट सिटी है जिसे ग्लोबल फाइनेंस हब एंड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लिए बनाया गया है। इंडिया में शायद ये एक लौता शहर है जो सच में स्मार्ट सिटी है। शहर में क्या क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा वो हम आगे जानेंगे। सिंगापुर एंड हांगकांग में जैसे ग्लोबल बिजनेस हब है, बिल्कुल उसी आइडिया को फॉलो करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट सिटी बनाने का प्लानिंग किया है। गिफ्ट सिटी को गुजरात के अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के पास बनवाया गया है, ताकि बिजनेस के लिए ये एक अच्छा सा लोकेशन मिले। गिफ्ट सिटी की टोटल लैंड एरिया है 3.9 किलोमीटर, और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होने जा रहा है। गिफ्ट सिटी एक फुल्ली प्लानिंग सिटी है, तो यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे होगा, क्या क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, सब कुछ पहले से ही प्लानिंग किया गया है। गिफ्ट सिटी का डिजाइनिंग क्या है, ईस्ट चाइना आर्किटेक्चर डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसके साथ है फेयर रूट कंसल्टेंसी इंडिया। आज से बहुत साल पहले 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार इस सिटी को बनाने का प्रपोज किया गया था। चलिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम है जिससे इंडिविजुअल को अपना अपना कूलिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और इससे 20-25% ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। यूटिलिटी टनल, शहर के अंदर जो भी केबल्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर सप्लाई लाइन्स, गैस पाइप लाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाइन, सारे के सारे केबल्स अंडरग्राउंड से ले जाया जाएगा। सिस्टम, पावर, आईसीटी सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, एनवायरमेंट सेंसर, डिजिटल सिग्नेचर, स्ट्रीट स्केप, सिटी इंफॉर्मेशन, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल, रोड कंडीशन, रियल टाइम ट्रैवल रिस्पांस, स्मार्ट पार्किंग, और भी कई सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा शहर में।
स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर शहर को इको फ्रेंडली बनवाया गया है। शहर के हर तरफ हरियाली एंड गार्डन मौजूद है। सड़क के दो किनारे हरे भरे पेड़ लगाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आपके लिए गुड कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शहर के अंदर इको फ्रेंडली सिटी बस सर्विस चलाया जाएगा। शहर को मेट्रो से कनेक्ट किया जा रहा है जो अहमदाबाद एंड गांधीनगर को जोड़ने का काम करेगा। 8 लेनों की सड़क बनवाया जा रहा है। शहर के 15 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट भी शामिल है। शहर के टोटल लैंड एरिया में से 67% कॉमर्शियल के लिए, 22% रेसिडेंशियल के लिए, 11% किया जाएगा। चलिए आप शहर के करंट प्रोग्रेस अपडेट के बारे में जानते हैं। शहर में आइकोनिक बिल्डिंग्स द डायमंड टावर, द गेटवे टावर, द क्रिस्टल टावर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। कुछ बिल्डिंग्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और फ्यूचर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल हेड ऑफिस, प्रेस्टीज ग्रुप ऑफिस बिल्डिंग, ब्रोकर्स फोरम टावर, ATS ऑफिस बिल्डिंग, रिलायंस कैपिटल ऑफिस बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रिलायंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग शहर के अंदर मौजूद होगा। शहर के अंदर सारी स्ट्रीट कंप्लीट हो चुका है और जो भी बिल्डिंग्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 2019 के अंदर कंप्लीट होके ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा। दोस्तों, इस वीडियो की सारी फुटेजेस प्रोवाइड किया है ब्लॉग नेशन यूट्यूब चैनल ने। इस चैनल में आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। गिफ्ट सिटी इसलिए हमें जरूरत है ताकि इंडिया के इकोनॉमी में बूस्ट मिल सके, जॉब जनरेटिंग हो सके। कहा जा रहा है आगे आने वाले दिनों में 10 लाख नौकरियां मिल सकता है हर 10 साल के बाद, और इसलिए इंडिया को इंटरनेशनल की जरूरत है। दोस्तों, गिफ्ट सिटी तैयार होने के बाद इंडिया का ये पहला स्मार्ट सिटी होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कौन सी न्यू प्रोजेक्ट्स पर और वीडियो देखना चाहते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन को भी दबा दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी जी, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। ओके, सो वी हैव सीन द वीडियो। मैं यही सोचता था हमेशा कि यार ये गिफ्ट बड़ा यूनिक सा नाम है, इसका मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच करके कहीं पे बनाया जा रहा है। साबरमती नदी बता रहे थे उसके पास कहीं ये बनाया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी ये इंडिया की ये बनने के बाद इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी होगी जैसा इसमें बताया जा रहा है। तो धोलेरा जो है वो भी स्मार्ट सिटी होगी, लेकिन गिफ्ट सिटी जो है उससे पहले शायद तैयार हो जाए और फर्स्ट स्मार्ट सिटी कहलाएगी। तो जी, जितना मैं समझाऊं कि ये ज्यादातर ये सिटी को बनाया जा रहा है फॉर बिजनेस, फाइनेंस हब भी होगा, बिजनेस के लिए ज्यादातर बनाया जा रहा है। और सिंगापुर और हांगकांग में जिस तरह ग्लोबल बिजनेस हब है, उसी तरह के कहा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी भी उसी से इंस्पायर्ड होगी और उसी तरह की बनाई जा रही है। और जिस तरह हमने ढोलेरा में देखा था ना कि अंडरग्राउंड होगा सब कुछ, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो स्विच सिस्टम हो, सब कुछ वो अंडरग्राउंड होगा। तो सेम यही गिफ्ट सिटी में भी हमको बताया गया है। और एक एक शहर होता है ना कि वो बस बनते बनते बन जाता है, तो ये सिटी प्लान्ड है, सब कुछ पहले से प्लानिंग हो रखी है। प्लान्ड सिटी बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन बनती है, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड होता है। ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, इतना एरिया बिजनेस के लिए, इतना एरिया रेजिडेंशियल एरिया होगा। तो और इसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो बिजनेसेस के लिए रखा है, बनिस्बत के रेजिडेंशियल एरिया वो 20-25% ही रखा है। फिर जी शहर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, सब वायरिंग अंडरग्राउंड होगी, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम होगा, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल, सिटी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाएगी। जैसे कि हमने ढोलेरा सिटी में देखा था कि पूरा एक बिल्डिंग, एक सेंटर बनाया जाएगा जिधर सब कुछ वो उनको पता होगा कि पूरे शहर में हो क्या रहा है, कहाँ आग लग गई है, कहाँ कोई क्राइम हो रहा है। तो इससे पहले कि कोई आपको रिपोर्ट दे कि भाई यहाँ आग लग गई है, वो आपको वहाँ से रिपोर्ट देंगे। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर भी होगा। और आने वाले कुछ टाइम में स्टेट बैंक भी यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियाँ 10 लाख के आसपास यहाँ पर इस शहर में लोगों को मिलेंगी, जिनकी की बहुत कमी होती है नौकरियों की। और हर 10 साल के बाद कहा जा रहा है इस शहर में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये जो स्मार्ट सिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं कि ये बन रही हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि नरेंद्र मोदी ख़ुद भी गुजरात से उनका ताल्लुक है, तो गुजरात में वो स्मार्ट सिटी भी इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ से इसको मैं स्टार्ट लूँगा। ये एक अच्छा स्टेप है स्मार्ट सिटीज़ वाला, तो मैं इसका
इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये सक्सेसफुली बन जाए तो हम इसका प्रॉपर एक टूर करें वीडियो के थ्रू कि यार ये आखिर है क्या चीज़। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मिस हो गई है वीडियो में तो जाहिर सी बात है मैं तो जो वीडियो में देखता हूँ मैं उसी पर रिएक्ट करता हूँ। तो अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमारी नॉलेज में जो है इजाफा कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। दैट्स इट। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो अपडेट्स के लिए कि कौन सी वीडियो कब आनी है, उसके अलावा स्टोरीज वहाँ पर मैं डालता हूँ वो देखने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जल्दी पढ़ूंगा और उसको पूरी कर दूंगा। कॉमेंट में भी आप अपनी रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, उसको भी मैं पढ़ूंगा और पूरा करूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में होगा जल्द हाजिर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।